नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? भैया ढोल बंद कीजिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आ गया शांत है, दो मिनट शांत। तो एक साल पहले हम भारत जोड़ो यात्रे थे, हमारा लक्ष्य था कि जो देश में नफरत भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठ जाओ, तुम आगे बैठ जाओ, नहीं नहीं यहां इस पे बैठ जाओ, शाबाश। तो अच्छा अलंकार, मुझे दो तीन टॉफी दो, पहले काम, जरूरी काम करते हैं पहले, और दो ये लो। तुम्हारा नाम क्या है? निभा, ये लो। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ भव्या। तुम्हारा? सिमोन। तुम्हारा? तो मेरे सामने आज चार बच्चे बैठे हुए, ऊपर दिख रहे हैं आप सबको, तो ये हमारे देश के भविष्य हैं। भविष्य हैं या नहीं? अरे भाई थोड़ा दे। तो हम भारत क्यों? क्योंकि हम इनके लिए एक ऐसा देश चाहते हैं जहां नफरत हिंसा ना हो। और ये आप इनको जैसे आपके बेटे हैं बेटियां हैं उनके जैसे देखो। तो आज हो क्या रहा है? आज देश में कोने कोने में नफरत फैलाई जा रही है। कोई कहता है तुम तमिल बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते, कोई कहता है तुम बंगाली बोलते हो इसलिए तुम हमें नहीं अच्छे लगते, कोई कहता है तुम हिंदी बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते, तुम उर्दू बोलते हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते, या फिर तुम जम्मू कश्मीर के हो इसलिए तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते, तुम मणिपुर के हो इसलिए तुम्हारा चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता, तुम छत्तीसगढ़ के हो इसलिए तुम हमें अच्छे नहीं लगते। ये देश में कोने कोने में फैलाया जा रहा है, सही बात है। और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। जैसे घर में फूट पड़ती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, परिवार मजबूत नहीं होता। इसी प्रकार बीजेपी और आरएसएस के लोग सब जगह नफरत फैला रहे हैं। तो यात्रा का यही लक्ष्य है कि जो हमारा जो भविष्य है उनको एक मोहब्बत भरा हिंदुस्तान मिले। अब देखो 4000 किलोमीटर हम चले कन्याकुमारी से कश्मीर, और आप जैसे लाखों लोग हमसे मिले, और मुझे क्या पता लगा कि इस देश का डीएनए नफरत का डीएनए नहीं है, इस देश का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। ये देखो, मैंने जैसे ये बात बोली सबने ताली बजाई, क्योंकि ये देश मोहब्बत का है, भाईचारे का देश है। इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, के लोग अलग जात के लोग, अलग सोच के लोग, और सब मिलकर प्यार से रहते हैं। अब पिछले साल क्या हुआ, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल लिए, 4000 किलोमीटर आप लोगों से मिले, लोगों से आपने बात की, उनकी जो मुश्किलें हैं वो समझी, मगर आप छत्तीसगढ़ तो नहीं आए,
आप मणिपुर तो नहीं आए, आप साउथ से नॉर्थ चले, मगर मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड इधर तो आए नहीं। इसलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू से लेकर महाराष्ट्र, और इसलिए मैं आपके आज सामने खड़ा हूं। अब इसमें हमने न्याय सब जोड़ दिया, हमने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा जो हिंसा नफरत फैल रही है वो अन्याय के कारण फैल रही है। अगर आप मुझसे पूछते कि पहली भारत जोड़ो यात्रा में आपने क्या समझा, तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी फैला रही है उसका कारण देश में अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं, ये पांच तरीके के अन्याय देश में आपको सब जगह मिलेंगे। आप भाषण देने से डरती तो नहीं हो ना? घबराती तो नहीं हो ना? अच्छा, आप थोड़ा अब मुझे आप बताओ, आप अन्याय के हिंदुस्तान में रहना चाहती हो? नहीं, न्याय चाहती हो या अन्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। आप हिंसा का हिंदुस्तान चाहती हो, नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो, या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। आप मोहब्बत का हिंदुस्तान क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। ये देखो कि देखो कितनी कितनी मैं अपने देश में नफरत नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं। तो कितने साल की हो तुम बेटा? 10 साल की बच्ची ने कहा कि जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं वो देश प्रेमी नहीं है। ये देखिए, इसने सीधा कह दिया 2 मिनट में। अच्छा, आप मुझे बताओ, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। और आप क्या करना चाहते हो? मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो? जाना चाहता हूँ। आपने अग्निवीर योजना का नाम सुना है? हाँ। सुना है? हाँ। समझाओ मुझे ये अग्निवीर क्या है। फंस गए। मैं समझाता हूँ तुम्हें, घबराना नहीं है। यहाँ पे ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा परिवार है। ये तो मैं तुम्हें अग्निवीर समझाता हूँ। इधर देखो, पहले क्या होता था, पहले तुम्हारे जैसे बच्चे कहते थे मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, और आर्मी उनका सिलेक्शन करती थी और फिर उनकी रक्षा करती थी, उनकी देखभाल करती थी। पूरी जिंदगी के लिए आर्मी उन लोगों की रक्षा करती थी, सही। अब अग्निवीर योजना मोदी जी लाए हैं, बीजेपी लाई है, उसमें उन्होंने कहा कि हम 4 साल के लिए युवाओं को सेना में लेंगे, 4 साल के बाद 3 में से 4 बच्चों को, युवाओं को हम वापस घर भेज देंगे, उनकी कोई रक्षा होगी, उनकी कोई देखभाल नहीं होगी। जो 1, 4 में से 1 सेना में रहेगा उसकी हम देखभाल करेंगे। अब मजे की बात समझो, अगर अग्निवीर को चाइना बॉर्डर पे गोली लग जाती है और अगर वो शहीद हो जाता है तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। समझे बेटा? समझे? तो क्या हुआ है, तुम्हारे जैसे जो बच्चे ट्रेनिंग करते थे, 1,50,000 बच्चों ने ट्रेनिंग की, ठीक है, 5 साल उन्होंने, जैसे तुम रनिंग करोगे, तुम वेट लिफ्टिंग करोगे, उन्होंने किया 5 साल। अरे जोर से बोल यार। सर, मैं 100 मीटर की रेस को 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ।
अच्छा और सुनो, और कितनी रनिंग करते हो दिन में? सर अभी पापा बाहर गए इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो सुनो, तो तुम्हारे जैसे बच्चे रनिंग करते थे, 5 साल उन्होंने 1,50,000 ने रनिंग की, उनकी आर्मी में भर्ती हो गई और फिर पहली बार हिंदुस्तान की इतिहास में आर्मी ने उन्हें कहा कि हम तुम्हें नहीं लेंगे। 1,50,000 युवा देश में भटक रहे हैं, उनकी भर्ती हो गई थी, कहा गया है कि तुम्हें हम नहीं लेंगे, ना तुम्हें हम आर्मी में लेंगे, ना तुम्हें हम अग्निवीर योजना में लेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे अंदर ये जो भावना थी, देशभक्ति की भावना थी, उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की सरकार ने 1,50,000 युवाओं को मैसेज दिया है। और मैंने उनसे क्या कहा, मेरे से मिले, मेरे सामने रोए, मैंने उनसे कहा तुम घबराओ मत, 1,50,000 युवा तुम जिनको आर्मी ने बाहर फेंका है, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा मुद्दा उठाएंगे और या ऑपरेशन दिलवाएंगे या फिर तुम्हें आर्मी में भर्ती करवा के दिखाएंगे। अब के ये है अन्याय भाइयों और बहनों। अच्छा तुमसे पूछते हैं, अगर किसी ने 5 साल किसी चीज के लिए काम किया, दिल से काम किया, अपना खून पसीना दिया, सेना में जाने के लिए उसने 5 साल काम किया और फिर अगर उसको सेना में नहीं जाने दिया, ये अन्याय है? अन्याय किया गया ना उसके साथ, उसके खिलाफ अन्याय है? तो इस प्रकार का अन्याय के खिलाफ ये यात्रा चल रही है। अब मैंने आपको आर्थिक अन्याय के बारे में बताया, आर्मी के बारे में बताया। अच्छा एक और अन्याय के बारे में बताना चाहता हूं। आर्मी में सेना को कहा जा रहा है कि देखो तुम्हें हम अग्निवीर बनाएंगे और तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब आर्मी के अंदर दो कैटेगरी के जवान बना दिए, एक अग्निवीर एक दूसरा, ठीक है। कंपनियां से खरीदे जा रहे हैं, आप ये बात जानते हो? नहीं। हिंदुस्तान ने ड्रोन खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी की कंपनी को गया। हिंदुस्तान ने राइफल खरीदी, कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी की कंपनी को गया। हिंदुस्तान पहले राइफल बनाता था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, उधर से कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अडानी जी की कंपनी को दिया गया। लिस्ट है भैया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अदानी को हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो वो सारा का सारा सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी को दिए जा रहे। मैंने इसके बारे में भाषण दे दिया पार्लियामेंट हाउस में, मैंने दे दिया भाषण, मुझे पार्लियामेंट से हटा दिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर ले लिया। मैंने उनसे कहा देखो घर ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो अपना घर, मुझे नहीं घर चाहिए। मेरे पास हिंदुस्तान में लाखों घर हैं, छत्तीसगढ़ में लाख घर हैं। मेरा घर छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के दिल के अंदर है, मेरे को कोई घर की जरूरत नहीं। तो ये देखो, ये हुआ आर्थिक अन्याय। अब मैं आपको सामाजिक अन्याय के बारे में बोलना चाहता हूं। हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी ने इनके लिए न्याय डाला, वनवासी। आदिवासी का मतलब वो लोग जो सबसे पहले मालिक थे। हम कहते हैं आदिवासियों को कि भैया आप देश के सबसे पहले मालिक हो। उन्होंने उनका नाम बदल दिया, कहते हैं तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो, तुम पहले पहले मालिक नहीं हो, तुम वो लोग हो जो जंगल में रहते हो। बात समझ आई? उनसे कह रहे कि तुम्हारी शहर में कोई जगह नहीं है, तुम्हारी कंपनियों में कोई जगह नहीं है, तुम्हारी स्कूलों कॉलेजेस में कोई जगह नहीं है, तुम तो जंगल के हो। देखो देखो कैसा सामाजिक अन्याय ने आदिवासियों के खिलाफ किया।
अब मैं पिछड़ों की बात करता हूं, दलितों की बात करता हूं, तुम भी आ जाओ बेटा, स्मार्ट लग रहे हो, भविष्य की टीम बैठी हुई है मेरे साथ। हाँ, हाथ मिलाओ, ये लो। तो पिछड़ों से क्या कहते हैं ये? मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में, कहा देखिए ऐसे करते हैं, देश को पता होना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। ये क्यों जरूरी है भैया, ये क्यों पता होना चाहिए बताओ मुझे। नहीं नहीं आप नाम क्या आपका, आप पिताजी आप मुझे बताओ कि ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने, जरूरी क्यों है? तो जो आपने बोला मैं माइक में बोल देता हूं, इससे सबको पता लग जाएगा कि किस जात के पास क्या क्या है, कितना धन है, कितनी नौकरियां हैं, कितनी कितनी देश की भागीदारी है। सहमत हो ना? मोदी जी सहमत नहीं है, मोदी जी ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि पिछड़ों को ये पता ना लग जाए कि उनकी कितनी आबादी है और देश का कितने कितना धन इनके हाथों में है। मैं आपको बताऊं, आप मैंने आंकड़े निकाले हैं, आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनी देख लो, अदानी अंबानी टाटा बिरला ये सब देख लो, ठीक है, इसका ना एक मालिक ना एक मैनेजमेंट टीम का व्यक्ति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। इसमें कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। की बात करते हैं मगर जब पिछड़ों को भागीदारी की बात उठती है, दलितों को, गरीबों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी है, तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मैंने कहा कि जाति जनगणना करवानी है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया इस देश में तो जाति नहीं है, सिर्फ दो जाते हैं, गरीब है, एक अमीर है। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं ओबीसी हूं, आप कहते हैं दो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। तो यह हुआ सामाजिक अन्याय। किसानों की बात आपने देखी है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जानते हो कि देश के किसान, हरियाणा पंजाब के किसान आज दिल्ली के हालों में, तो उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, पब्लिक सेक्टर के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ड्राइवरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ट्रक ड्राइवर्स के साथ इन्होंने पता है क्या किया, जानते हो क्या किया? बिना पूछे 10 लाख रुपए जुर्माना सीधा ट्रक ड्राइवर से। हाँ, तो जहां भी देखो ये करते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया भाइयों और बहनों, में मणिपुर गया, वहां पे आग लगी हुई है, वहां पे भाई भाई को गोली मार रहा है, कोई सरकार नहीं दिख रही वहां पे, और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, हजारों लोग वहां घर चल गए, लोग मारे गए, प्रधानमंत्री आज तक चल रहा है, वो हो गया। मैं आपको बताता हूं, मैं गया वहां पे, एक मेथी और एक कुकी समाज है। अब हिंदुस्तान मणिपुर की हालत आप समझो, एक कुकी समाज है, एक मेथी समाज है, इनको बीपी ने इनमें आग लगा दी। मैं गया, कोई राजनेता वहां नहीं गया, वहां गोली चल रही है, मैं वहां गया, सरकार ने कहा देखिए रिस्क है, गोली लग जाएगी, मैंने कहा लगने दो मैं देखता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं गया, ठहर जाओ, मैं गया, मेथी समाज ने मुझे बुलाया और कुकी समाज ने मुझे बुलाया, सुनो सुन, डिस्टर्ब मत करो,
मेथी समाज ने बुलाया, कुकी समाज ने बुलाया। जैसे ही मैं मेथियों के पास गया, उन्होंने कहा देखिए आपको हम चाहते हैं, मगर ये सिक्योरिटी वाले दिख रहे हैं, अगर आपकी सिक्योरिटी में कुकी समाज का हमें कोई मिल गया तो हम उसे वहीं गोली मार देंगे। हमने अपनी सिक्योरिटी में से कुकी समाज के लोगों को निकाला, फिर हम अंदर गए। उसके बाद उनके मिलने के बाद हम कुकी समाज के पास गए, उन्होंने भी हमें बुलाया। जैसे हम उनके पास पहुंचे, वो हमें कहते हैं देखिए आप आइए, मगर आपकी सिक्योरिटी में मेथे समाज का कोई मिला उसे हम गोली से उड़ा देंगे, आप मेथे समाज के लोगों को अपनी सिक्योरिटी से उतारो। हमने मेथे समाज के लोगों को अपनी सिक्योरिटी से उतारा, तब हम अंदर गए। मतलब सरकार का वहां कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पे सिविल वॉर युद्ध चल रहा है। ना मोदी जी गए, ना बीजेपी का वहां कोई नेता जा पा रहा है, आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि नफरत फैला दी, एक दूसरे को लड़ा दिया, जला दिया। और यही ये काम ये राजनीति करते हैं, क्योंकि आपकी का पैसा है जो आप दे रहे हो, वो आपके जेब में से लोगों के जेब में चला जाए। आपका नाम क्या है जो आपका नाम प्रवीण गुप्ती, ये आपने शर्ट खरीदी ना प्रवीण गुप्ता जी, आप खरीदी, ये कितने की खरीदी आपने? 340 रुपए की खरीदी, आपके जेब से गया, सही बात है। अब मुझे बताओ गुप्ता जी, अगर यही शर्ट अदानी जी ने खरीदी होती, उनके जेब में से कितना जीएसटी जाता? उतना ही आता जितना आपके जेब से गया ना। ये न्याय है या न्याय है? आप अरबपति थोड़े हो, आपके जेब में से जितना जा रहा है उतना अदानी की जेब में से जा रहा है। आप टैक्स भर रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, सारे के सारे गरीब से गरीब व्यक्ति। गुप्ता जी तो दुकान चलाते हैं, अक्षय गुप्ता जी दुकान चलाते, थोड़ा पैसा है इनके पास, मगर अगर मजदूर, देश का सबसे गरीब मजदूर यही शर्ट खरीदे, उसके जेब में से भी 18% जाएंगे। यह अन्याय हो रहा है। और वो अगर ठीक है, अगर पैसा गुप्ता जी की दुकान को चलाने के लिए जाता, और गुप्ता जी अगर 10 15 20 लोगों को रोजगार दे पाते तो वो अलग बात। यहां क्या हो रहा है, सारे के सारे लोगों से पैसा जा रहा है अडानी जी की जेब में। भैया मुझे फोन देना है, ये फोन जो है ना चाइना का है, ठीक है। इस फोन को यहां हिंदुस्तान में अंबानी जैसे व्यक्ति ने बेचा है, सही? आप देखो, अंबानी ने बेचा है, अडानी ने बेचा है। इस फोन से चाइना के युवाओं को रोजगार मिला, इस फोन से हमारे एक भी युद्ध में देखता हूं। शाबाश, इसमें ये मेड इन चाइना फोन है, इससे चाइना के युवाओं को रोजगार मिला। अडानी अंबानी को पैसा मिला और चाइना के युवाओं को पैसा मिला, चाइना के प्रोडक्ट को अंबानी ने इधर बेचा और उसको पैसा मिला, दोनों को। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये जो फोन बने, ये छत्तीसगढ़ में बने, यहां पे, ठीक है। और ये गुप्ता जी जो बैठे हैं, एक दिन ये सोचे कि यार मैं अब दुकान चलने से थक गया हूं, मुझे ये दुकान नहीं चलानी, मुझे सेलफोन बनाना है। और ये एक दिन सेलफोन की फैक्ट्री खोले और हिंदुस्तान के बैंक इनको बैंक लोन दे और ये चाइना से कंपटीशन करें। आज अगर ये सपना देखे कि ये बैंक से मतलब सेलफोन बनाने के लिए पैसा लेना चाहते हैं, इनको धक्के मार के बैंक भाग,
फेंक देगा, कहेगा भैया हम तो अदानी को पैसा देते हैं आपको नहीं देंगे। तो ये चल रहा है देश में। अब दुख की बात क्या है, दुख की बात क्या है कि मीडिया में आपको ये नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। किसान मर जाए, छोटे व्यापारी मर जाए, छोटे बिजनेस वाले मर जाए, मजदूर मर जाए, आपको मीडिया में नहीं दिखेगा। मीडिया में आपको क्या दिखेगा? अदानी जी के बच्चों की शादी, अंबानी जी के बच्चों की शादी, उसमें आपको ऐश्वर्या राय जी नाचते हुए दिखेंगी, अमिताभ बच्चन जी वहां पर दिखेंगे आपको, आपको वर्ल्ड कप दिखेगा। सही बात है, आपको वर्ल्ड कप दिखेगा, वर्ल्ड कप में क्रिकेट चलेगा, वो भी भैया अडानी का अंबानी का। तो सब जगह आपको ये बड़े बड़े उद्योगपति, तीन चार बड़े बड़े उद्योगपति दिखेंगे आपको, चाइना का पूरे देश में माल दिखेगा आपको, बेरोजगारी दिखेगी आपको, भूखे लोग दिखेंगे आपके, छोटे बिजनेस वाले वो सब खत्म हो रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन जीएसटी जो किया, इसलिए भाइयों और बहनों हम सीधा आपके पास आ गए, मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, इसलिए हम आए आपके पास कि भैया जनता सीधी सुन लेगी बात। अब आप बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अच्छा, अब आप दो तीन शब्द कहेंगी, चलो कहना है, डरना नहीं है, दो तीन जो भी दिल में आए। अच्छा, अपने अपने भाई के बारे में, आपका भाई कैसा है? भाई नहीं। अच्छा, मामा पापा क्या करते? मेरी मम्मी एक टीचर है और मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। किस चीज की दुकान है? मेरे पापा एक मोहब्बत की दुकान है। तो अंत में यही कहने आया हूँ, देखिए हम नफरत के बाजार